हराम जा रहा है जा रहे हैं जा रहे हैं बाहर के आंसू है सर जो बाहर रो रहे थे या बुजुर्ग गरीब नवाज यहाँ से गए बाहर आंसू हो रहा है और अभी हमारे सामने ही है एक अनोखी चीज़ जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो अनोखी चीज़ क्या है उसको अनोखी क्यों कहते हैं वो भी आपको बताऊंगा और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अनोखी लगी कि नहीं लगी अभी आपको बताता हूँ सामने की तरफ ही आप काफ़ी ज़ाहरीन आए हुए हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मुल अजमेरी रहमतुल साहब की दरगाह शरीफ पर आते हैं दरगाह ज़ियारत के लिए वो एक बार दौलत बाग भी ज़रूर आते हैं क्योंकि इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है काफ़ी खूबसूरत है ये दौलत बाग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंसारी, आप देख रहे हैं टून अंसारी चैनल। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है मैं आपको दरगाह शरीफ की वीडियो बनाकर उनकी ज़ियारत कराता रहता हूं, पर आज मैं आपको लेके आया हूं अजमेर शरीफ के मशहूर आना सागर दिखाने के लिए। आना सागर और दौलत बाग वो दोनों ही चीज़ मैं आपको इसमें वीडियो में दिखाने वाला हूँ। काफ़ी मशहूर है ये दौलत बाग और वहाँ का जो आना सागर किस्सा वाक्य है वो भी आपको वहाँ पर बताऊँगा जो इसमें ख्वाजा साहब की करामत भी है। तो चलिए आप पहले यहाँ पर दो टिकट ले लेंगे ऊपर जाने के लिए करीब 25 रुपये का टिकट है एक व्यक्ति का, दो टिकट लेंगे अंदर की तरफ एंट्री लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों अंदर दौलत बाग के अंदर हमने एंट्री ले लिया और हमने यहाँ पे दो टिकट करी है, आप देख सकते हैं दो टिकट हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं बारादरी और हम लोग कहते हैं इसके नीचे खजाना है इसलिए इसको लोग दौलत बाग बोलते हैं। इसके अंदर काफ़ी दौलत है, काफ़ी ज़ाहरीन आए हुए हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मुल अजमेरी रहमतुल साहब की दरगाह शरीफ पर आते हैं दरगाह ज़ियारत के लिए। वो एक बार दौलत बाग भी ज़रूर आते हैं क्योंकि इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, काफ़ी खूबसूरत है ये दौलत बाग। और सामने ही है नाव जहाँ से नाव वगैरह चलती है, अब आपको दिखाता हूँ आके तो उसका किराया कितना है क्या है जो भी है सब आपको बताएंगे। तो अभी हम नीचे आ रहे हैं और नीचे आपको पूछ के बताते हैं कि बोट का किराया कितना है, एक आदमी का इस बोट का किराया कितना है। ये देखिए स्टीमर चल रही है, बड़े बड़े समंदरों में चलती है वैसे स्टीमर पर चल रही है। तो जैसा ये भाई बैठे इन्होंने बताया एक आदमी है बारादरी है, एक बारादरी इधर है, यहाँ टोटल 5 बारादरियाँ हैं। दोस्तों आप नीचे उतर रहे हैं, नीचे की तरफ जाएंगे और आपको नीचे का नज़ारा भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। एक बार यहाँ आएंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मुल अजमेरी रहमतुल साहब इबादत किया करते थे, वो जगह आपको दिखाएंगे जिसको ख्वाजा साहब का चिल्ला भी कहते हैं। वो आना सागर के उस तरफ ही है पर इधर रास्ता बंद है, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो आपको बाहर की तरफ लेके आते हैं फिर वहाँ से दिखाएंगे इंशाल्लाह।